हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोर शाला। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब ये टर्म्स जितनी टफ प्रोनाउंस करने में लग रही हैं, उतनी टफ समझने में तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये चीज कैसे पता पड़ेगी, जब आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इन दोनों ही टर्म्स को। वेल, कैजुअल वर्कर्स कौन से होते हैं और इनफॉर्मल वर्कर्स कौन से होते हैं, ये हमने जान लिया है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स। उसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि कैजुअलाइजेशन होता क्या है। उससे भी पहले मैं आपको एक बार ये चीज रिपीट कर दूं कि भाई कैजुअल वर्कर्स कौन कौन से होते हैं। सो कैजुअल वर्कर्स वो होते हैं जो कि डेली बेसिस पे आते हैं, ओके? उनकी जो वेजेस होती है वो उन्हें डेली बेसिस पे मिलती हैं, वो परमानेंट वर्कर्स नहीं होते हैं, ओके? और सबसे बड़ी बात, वो स्किल्ड नहीं होते हैं, ठीक है? जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई कहीं पे कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहां पे तिहाड़ी पे जब कोई वर्कर्स जाते हैं, यानी कि रोज का जब उन्हें पैसा दिया जाता है, तो वो जो वर्कर्स होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं, कैजुअलाइजेशन में, ओके? सो एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ अ वर्क फोर्स इज दैट इट इंक्लूड्स अ लार्ज परसेंटेज ऑफ कैजुअल वर्कर्स। हमारी वर्क फोर्स में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज किसका है, कैजुअल वर्कर्स का है। एंड देयर नंबर इज ट्रेंडिंग अप, और ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स इन टोटल वर्कफोर्स हैज राइजन फ्रॉम 23% इन 1972 टू 33% इन 1999 टू 2000। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या कि जो कैजुअल हायर्ड वर्कर्स है वो बढ़ गए हैं, कितने से 23 से हो गए 33%। फिर उसके बाद में आगे क्या हुआ कि भाई 33% से हो गए 39%, और इसके बाद में धीरे धीरे जो कैजुअल हायर्ड वर्कर्स हैं उनकी जो रेट है वो कम होने लग गई, ओके? हाउएवर इट इज स्लाइटली डिक्लाइंड टू 30.9% इन 2013-14 एंड इन 2017-18 इट अगेन डिक्लाइंड टू 24.9%। तो आपने देखा कि कैसे कैजुअल हायर्ड वर्कर्स की पहले के टाइम में बहुत ज्यादा थे, फिर ग्रेजुअली थोड़े से बढ़ गए, और फिर धीरे धीरे उनकी जो रेट थी वो डिक्लाइन होने लग गई, ओके? फिर परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं, ऑन रोल होते हैं, और उन्हें सारी सिक्योरिटीज जो होती है वो उनको प्रोवाइड होती है, जैसे कि पेंशन हो गई, प्रोविडेंट फंड हो गया, ये सारी जो सिक्योरिटीज होती हैं वो उनको प्रोवाइडेड होती है, ओके? सो परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 62% इन 1972 टू 73 टू 52% इन 1992 टू 2000 एंड फर्दर टू 42% इन 2009 एंड 10। However, मतलब आप देख सकते हो कि इनिशियली जो ज्यादा थी वो धीरे धीरे कम हो गई, और फिर एक पॉइंट के बाद में जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की जो रेट थी वो बढ़ने लग गई। इट अगेन इंक्रीज टू 49.5% इन 2013-14 एंड इन 2017-19 इट फर्दर इंक्रीज टू 52.2%। तो आपने देखा कि कैसे कैजुअल वर्कर्स की रेट जो कि बहुत हाई थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई, कैसे जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स थे वो बहुत कम थे और वो धीरे धीरे बढ़ने लग गए, यानी कि लोग ज्यादा रिलाई किस पे करने लग गए, लोग ज्यादा रिलाई करने लग गए सेल्फ एम्प्लॉयड काम पे, ओके? इन स्पाइट ऑफ व्हाट, कैजुअल वर्किंग, ठीक है? थर्ड पॉइंट इज परसेंटेज ऑफ रेगुलरली हायर्ड वर्कर इन टोटल वर्कफोर्स कंटिन्यू टू होवर अराउंड 15% ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1972 टू 73 टू 1999 टू 2000 इट वॉज 16.8%, ठीक है? और उसके बाद में 2009 टू 2010 में उसका रेट क्या हुई, 22.8%, ओके? इट वॉज 16.8% इन 2009-10 और 22% हो गई कब, 2017 टू 18 ईयर में। ऑलराइट, आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है लेबर फोर्स का कैसे चेंज हुआ है टाइम के साथ में। 3.7% ऑफ एम्प्लॉयड पर्संस वर रिपोर्टेड टू बी हायर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर 2015-16 में। 3.7% लोगों को कैसे हायर किया था, एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हायर किया था। ऑलराइट, द बल्क ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कफोर्स इज फाउंड इन रूरल एरियाज।
अब सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं वो ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, रूरल एरियाज में मिलते हैं। पीपल वर्क ऑन देयर फार्म्स एंड फील्ड्स, वो कहाँ पे काम करते हैं, अपने खेती बाड़ी का काम करते हैं। नॉट बिकॉज एवरीबडी इज गेनफुली एम्प्लॉयड, इसलिए नहीं कि सब लोगों को काम मिल रहा है। नॉट बिकॉज एवरीबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आउटपुट, और इसलिए भी नहीं क्योंकि सारे लोग आउटपुट में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट सिंपली बिकॉज मैनी ऑफ देम आर नॉट गेटिंग नॉन फार्म जॉब्स, बस इसलिए क्योंकि वहां पे रूरल एरियाज में बहुत से लोगों को खेती बाड़ी के अलावा कोई और दूसरा काम नहीं मिलता है, इसलिए वो लोग ज्यादा किस पे रिलाई करते हैं, फार्म एंड फील्ड वर्क पे रिलाई करते हैं। ओके, इवन वेन दे विश टू माइग्रेट, दे आर एम्प्लॉयड ऑन द फार्म्स ओनली फॉर द नेम सेक, वो अपनी खेती बाड़ी में सिर्फ एक नाम के लिए वहां पे काम करते हैं। दूसरी चीज, इनफैक्ट दे आर डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड, इनफैक्ट वो एक तरीके से क्या है, बेरोजगार ही माने जाते हैं। टेकिंग अ चांस फॉर अपॉर्चुनिटीज, दीज मार्जिनल वर्कर्स टेंड टू माइग्रेट टू अर्बन, अब अगर इन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो ये अर्बन एरियाज में माइग्रेट कर भी लेते हैं, एंड मोर ऑफन देन नॉट दे गेट एम्प्लॉयमेंट ओनली एज कैजुअल वर्कर्स, और जब ये माइग्रेट कर लेते हैं अपने रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में तो इनको कैजुअल वर्कर के तौर पे ही माना जाता है। ओके, और एज डेली वेजर्स, या फिर जो दिहाड़ी होता है यानी कि दिन के हिसाब से इनको पैसे दिए जाते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स लीडिंग टू कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये उन अनस्किल्ड वर्कर्स की कहानी है जो कि कैजुअलाइजेशन को ज्यादा बढ़ावा देती हैं। ओके, सो कैजुअलाइजेशन क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। इवन स्किल्ड वर्कर्स इन द अर्बन एरियाज आर टू स्ट्रगल फॉर रेगुलर जॉब्स, इनफैक्ट अर्बन एरियाज में भी ऐसे बहुत से वर्कर्स हैं जो कि जॉब के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। ओके, दिस इज ओइंग टू मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, इसका रीजन क्या है कि इकोनॉमी में हर सेक्टर में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, बेरोजगारी है। राइट, अनएम्प्लॉयमेंट इज सो ह्यूज दैट द बार्गेनिंग पावर ऑफ द वर्कर इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि जो बार्गेनिंग पावर है वो भी बहुत कम रह जाती है वर्कर्स की। ऑन द अदर हैंड बार्गेनिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉयर्स आर वेरी हाई, और बार्गेनिंग पावर जो एम्प्लॉयर्स की है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो जिस भी रेट में चाहें उस रेट में काम दे सकते हैं, और आगे वाला इतना मजबूर है, जो वर्कर है वो इतना मजबूर है कि उसे उस रेट में ना चाहते हुए भी काम करना ही पड़ता है। ओके, दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ हायर एंड फायर, वो कौन सा प्रिंसिपल पे चलते हैं, हायर एंड फायर, कि भाई या तो हायर करो अगर उस रेट उस वेज रेट में उनको अच्छा लगता है तो वो काम करें, और एल्स फायर देम। ओके, सो ये हमने कैजुअलाइजेशन पूरा पढ़ा है, आगे देखते हैं। यहाँ पे अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इनफॉर्मलाइजेशन की। एम्प्लॉयमेंट मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर रिफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है फॉर्मल सेक्टर क्या है, पूरा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जैसे कि आप मान लीजिए गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा है जो कि पूरा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। अब इस गवर्नमेंट के अंडर में जो काम करते हैं वो बेसिकली कौन से सेक्टर में काम करते हैं, फॉर्मल सेक्टर के अंडर में काम करते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट विच हायर 10 और मोर वर्कर्स, जो कि 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स को हायर करते हैं। दोज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर कॉल्ड फॉर्मल वर्कर्स, और जो वर्कर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको हमने क्या नाम दिया है, फॉर्मल वर्कर्स, ठीक है। आगे देखते हैं, वर्कर्स इन द फॉर्मल सेक्टर्स आर एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, और जो लोग जो वर्कर्स इस फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनको क्या मिलता है, उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। अब इस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि पेंशन, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्यूटी एक्सेट्रा। ओके, व्हाइल वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर आर नॉट, और वहीं जब हम बात इनफॉर्मल सेक्टर की करते हैं और जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, राइट। और ये चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो भी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनको जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, SSB, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। ओके,
while economic interest of the workers in informal sector is protected through various labor laws, there are hardly any protective laws for the informal sectors other than Minimum Wage Act. और जब हम बात इनफॉर्मल सेक्टर की करते हैं तो वहां पे उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट है, मिनिमम वेज एक्ट, कि भाई इतना वेजेस तो उन लोगों को मिलना ही मिलना चाहिए, किनको, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर के अंडर में काम करते हैं. ऑलराइट, टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वर्कर्स इन द फॉर्मल सेक्टर कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस. नो सच यूनियन एग्जिस्ट इन द इनफॉर्मल सेक्टर. अब फॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स होते हैं वो ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, सो आई होप आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों चीजें समझ में आई होंगी. कौन सी चीजें फॉर्मल में ऐड होती हैं, कौन सी ऐड नहीं होती हैं, इस डिफरेंस के हेल्प से हम और अच्छे से समझ लेंगे. लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स आर हाईली वल्नरेबल टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट. They are hired when the market sentiments are good and are fired when the economic slowdown. अब जो informal workers होते हैं उनका पूरा का पूरा वो किस पे depend करते हैं, वो market के situation पे depend करते हैं, right? अगर market में situation मतलब economic situation जो है वो slow down की है तो हो सकता है कि उनको निकाल दिया जाए. लेकिन अगर मार्केट में सिचुएशन बहुत ही अच्छी चल रही है और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा चल रहा है तो हो सकता है उन्हें हायर कर लिया जाए. वहीं जब मार्केट की जो इक्विलिब्रियम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होते ही हो सकता है कि उन्हें निकाल दिया जाए. लेकिन वहीं जब हम फॉर्मल की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, राइट? ये चीज आप बेहतर समझ सकते हैं. जैसे गवर्नमेंट जॉब अगर किसी के पास है तो वो इतना इजीली फायर नहीं हो सकता है. वही ऑन दी अनदर हैंड जब हम बात करते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स की तो वो कभी भी फायर हो जाते हैं. ऑलराइट, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा. अब फॉर्मल वर्कर्स और इनफॉर्मल वर्कर्स को हम समझते हैं एक डिफरेंस के थ्रू. सो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मल वर्कर्स वर्क इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. फॉर्मल वर्कर्स वो होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं. वही इनफॉर्मल वर्कर्स कौन होते हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं. फॉर्मल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. इनको SSB मिलता है, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू SSB. और इन लोगों को जो इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं. ओके, कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस, ये लोग ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं, ये लोग नहीं बना सकते हैं. दे आर प्रोटेक्टेड बाय वेरियस लेबर लॉज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट. इन लोगों के लिए लेबर लॉ काफी ज्यादा है कि भाई अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी के टाइम पे इन लोगों के लिए बहुत से लॉज हैं जो कि इनके फेवर में ही हैं. वहीं ऑन द अनदर हैंड इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए ऐसे कोई लॉज नहीं है सिवाय सिर्फ एक के, विच इज मिनिमम वेज एक्ट. ओके, सो दे रिमेन अनप्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज एंड देयरफॉर आर हाईली वल्नरेबल टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट. ओके, सो इनका मार्केट के अनसर्टिनिटी से इनका कोई लेना देना नहीं. अगर मार्केट में कोई अनसर्टिनिटी हुई भी है तो हो सकता है कि ये इनकी जॉब जो है वो इनके हाथ से जा सकती है. ओके, सो ये हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्कर्स के बारे में थोड़ा सा जाना है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. इनफैक्ट आज के इस वीडियो में हमने जितना कुछ भी जाना है वो सब आपको क्लियर हुआ होगा. कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन की हमने बात करी है इस वीडियो में. अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए. एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू सो मच.